आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे ग्रहों से संबंधित कुछ जानकारियां देने वाले हैं, जैसे ग्रहों का नाम हिंदी और अंग्रेजी में, कौन सा ग्रह जो है वो कितने दिनों में सूर्य का एक चक्कर लगाते हैं, किस ग्रह के कितने उपग्रह होते हैं, ये आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करता हूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है मरकरी। मरकरी जिसे हिंदी में बुध ग्रह बोला जाता है, ये जो है वो सूर्य का एक चक्कर जो है वो 88 दिनों में लगाता है, और इसका उपग्रह की बात किया जाए तो एक भी उपग्रह नहीं है, यानी कि मरकरी जो है बुध ग्रह उसका एक भी उपग्रह नहीं है, 0/सन्नाटा। अब सेकेंड नंबर में है वेनस। वेनस जिसे हिंदी में शुक्र ग्रह बोला जाता है, और ये जो है शुक्र ग्रह वो सूर्य का एक चक्कर जो है वो 224 दिनों में लगाता है, और इसका उपग्रह की बात किया जाए यानी कि सेटेलाइट, तो सेटेलाइट जो है वो एक भी नहीं है, शुक्र ग्रह का सेटेलाइट एक भी सेटेलाइट नहीं है, ये भी 0/सन्नाटा। आपको बता देते हैं कि मरकरी और विनस यानी बुध और शुक्र ये दोनों का सेटेलाइट नहीं है, 0 है। थर्ड नंबर में आते हैं अर्थ, जिसे हिंदी में पृथ्वी बोला जाता है, और ये जो है वो सूर्य का एक चक्कर कितने दिनों में लगाते हैं, तो 365 डेज 6 आवर में ये सूर्य का एक चक्कर लगाता है, और इसका उपग्रह की बात किया जाए तो एक उपग्रह है जो चंद्रमा है, जो बोला जाता है चंदा मामा दूर के पुआ पकावे गुड़ के ऐसा, तो वही वाला जो चंद्रमा है वो पृथ्वी का उपग्रह है। अब फोर्थ नंबर में आते हैं मार्स। मार्स जिसे हिंदी में मंगल ग्रह बोला जाता है, ये जो है वो सूर्य का एक चक्कर 687 दिनों में लगाता है, और इसका उपग्रह की बात किया जाए तो दो उपग्रह है, कितना उपग्रह है, दो उपग्रह है मंगल का। अब फिफ्थ नंबर में आता है जुपिटर। जुपिटर जो ग्रहों का सबसे बड़ा ग्रह कहलाता है वो फिफ्थ नंबर में आता है, और जिसे हिंदी में बृहस्पति ग्रह बोला जाता है, ठीक है, ये सूर्य का एक चक्कर जो है वो 11.9 वर्षों में लगाता है, यानी कि लगभग अगर अगर बात किया जाए तो 12 वर्षों में सूर्य का एक चक्कर लगाता है, और इसका उपग्रह की बात किया जाए तो उपग्रह जो है वो 79 उपग्रह होते हैं। अब सिक्स नंबर में आते हैं सैटर्न, जिसे हिंदी में शनि ग्रह बोला जाता है, और ये शनि ग्रह जो है वो सूर्य का एक चक्कर जो है वो 29.5 वर्षों में ये सूर्य का एक चक्कर लगाता है, और ये इसका जो उपग्रह है वो उपग्रह वो 82 होता है, और ये जो शनि ग्रह है उसमें रिंग भी होते हैं, ठीक है। अब अगला है यूरेनस। यूरेनस जिसे हिंदी में अरुण ग्रह बोला जाता है, ये जो है वो सूर्य का एक चक्कर जो है वो 89 वर्षों में लगाता है, इसका उपग्रह की बात किया जाए तो उपग्रह जो है वो 27 होते हैं। नेक्स्ट है नेपच्यून, जो सबसे लास्ट वाला ग्रह है, ठीक है, तो नेपच्यून जो है सबसे लास्ट वाला ग्रह है जिसको हिंदी में वरुण ग्रह बोला जाता है, और ये जो है वो सूर्य का एक चक्कर जो है वो 165 वर्षों में लगाता है। ट्यून ग्रह का जो है सेटेलाइट वो 14 होते हैं। तो ये था छोटा सा वीडियो, आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन जरूर दबा दीजिएगा, और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए।